हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्ज़ाम रिलेटेड ये नोटिस जारी किया गया है। फ्रेंड्स, ये ई टेंडर की बड़ी अपडेट कोरिजोंडम नोटिस 5 से आरआरबी ने जारी की गई है। फ्रेंड्स, ये कोरिजोंडम जो जारी किया गया है वो प्रीबिड कॉन्फ्रेंस जो ईसीए के लिए होने वाली थी उसके रिगार्डिंग आरआरबी ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और जानते हैं सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे और साथ ही साथ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, अजमेर कोरिजोंडम नंबर 5, ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर CEN03/2019, नेम ऑफ वर्क आरआरबी इंगेजिंग एग्जाम कंडक्ट एजेंसी ईसीए टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटीज एंड ऑल रिलेटिव एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एसेट्रा फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन इंडियन रेलवे नोटिफाइड इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN03/2019 के रिगार्डिंग। ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, ये वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एंड NTPC की जो वैकेंसी आई थी वो करीब करीब आसपास ही आई थी, तो इसके जो कोरिजोंडम हैं वो आसपास ही आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए ये रेलवे ने इसका कोरिजोंडम निकाला है ऑफिशियल, एंड NTPC का जो ऑफिशियल कोरिजोंडम निकालेगी आरआरबी या जारी करेगी वो भी आपको कुछ दिन के बाद या थोड़े समय के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोरिजोंडम 4 की बात करें तो उसमें जो प्रीविड कॉन्फ्रेंस की जो डेट दी गई थी वो 28/5/2020 दी गई थी। लास्ट डेट सबमिशन डेट जो है वो 29/6/2020 दी गई थी, एंड टेक्निकल बिड के लिए जो डेट थी वो 29/6/2020 थी। अगर हम कोरिजोंडम 5 की बात करें तो उसमें जो प्रीविड कॉन्फ्रेंस डेट दी गई है वो 29/6/2020 दी गई है, एंड लास्ट डेट सबमिशन जो दी गई है वो 27/7/2020 दी गई है, एंड जो टेक्निकल बिड जो स्टार्ट होने वाली हैं फ्रेंड्स वो 27/7/2020 की दी गई हैं। अगर हम इन दोनों कोरिजोंडम की बात करें तो जो इन दोनों कोरिजोंडम के बीच में जो डिफरेंस रखा गया है वो फ्रेंड्स 30 दिन का गैप रखा गया है। अगर हम रेलवे के इसी को कोरिजोंडम को फाइनल मान के चलें तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना लग रही है, अगर हम इसको फाइनल टेंडर मान के चलते हैं। क्योंकि इससे पहले फ्रेंड्स रेलवे को आपके एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी करने हैं, तो अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो लेकिन फिर भी अगर हम इसको फाइनल मान के चलें तो फ्रेंड्स अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, और क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी में लग जाइए। तो ये सब जो उसके पीछे जो कोरिजोंडम 5 दिया गया है, ये जो डेट बढ़ाई गई है उसके पीछे जो रीज़न आया है वो भी वायरस की वजह से ही रीज़न दिया गया है, कि वायरस की वजह से या लॉकडाउन बढ़ाने की वजह से, स्टेट के जो लॉकडाउन बढ़े हैं उनकी वजह से ही ये प्रीविट कॉन्फ्रेंस की डेट जो है वो आगे कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।